प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया चालू है। थर्ड राउंड पूर्ण होने के बाद भी सैकड़ों सैकड़ों विद्यार्थी प्रवेश पाने से वंचित रहे, जिसके बाद छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कई जिलों में ज्ञापन व प्रदर्शन के माध्यम से सीट वृद्धि कर सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने की मांग की गई। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गुना इकाई चाचौड़ा के कार्यकर्ताओं ने भी ज्ञापन देकर मांग की, जिसके पश्चात अनलिमिटेड प्रवेश प्रक्रिया के तहत सभी विद्यार्थियों को प्रवेश देने के आदेश दिए गए। प्रक्रिया समय पर चल रही है, जिसकी तृतीय चरण में पूर्ण होने को है, परंतु तृतीय चरण पूर्ण होने के बाद भी सैकड़ों विद्यार्थी यूजी व पीजी में प्रवेश पाने में वंचित रह गए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गुना इकाई चाचौड़ा भिलवन छात्र हित में आपसे ये मांग करता है कि छात्रों के उज्ज्वल भविष्य का ध्यान में रखते हुए वंचित रह गए छात्रों को प्रवेश के लिए अवसर दिया जावे एवं जय हिंद। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला गुना इकाई चाचौड़ा भिलवन द्वारा सीट वृद्धि को लेकर माननीय उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी के नाम ज्ञापन सौंपा एवं एमए बीए के जो स्टूडेंट रह गए थे उसके लिए विद्यार्थी परिषद ने आज ज्ञापन दिया एवं सरकार का आदेश आया है कि अभी तुरंत ही मतलब